शरण में आ गए। प्रभु लोभ पास जेहि गर न बधाया सोनर तुम समान रघुराया। भगवान सजीवन साज समाज बनिता बंधु समेत, भगवान एक पल लगा अयोध्या से उनको बनाने में, एक पल लगा। और क्या कहे, पिता दीन मोहि कानन। मानसिक स्थिति, चित्त की स्थिति इतनी तैयार रखिए, आए हट रेडी रेडी, सिटी बजाने की आवश्यकता नहीं, रेडी चलो, साज साज के रखिए, जीवन में जीवंतता रखिए। अभी ध्यान रखिए, कोई मरता नहीं है, ये मैंने सिद्धांत निकाला है सदग्रंथों से, कोई मरता ही नहीं है। फिर केवल स्वरूप का परिवर्तन होता है, कोई मरता वरता नहीं है। ये शरीर छूटेगा दूसरा मिलेगा। अब ये शरीर मनुष्य का ही प्राप्त हो, इसलिए हमको कर्म की श्रेष्ठता बनाकर रखनी है, कर्म नहीं बिगाड़ना है। कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना। जीव को यह ध्यान रखना चाहिए, हमारी लोक में प्रशंसा हो तो हो, लोक निंदा कदाप नहीं होनी चाहिए। जिसकी लोक निंदा है वो जीते जी मृतक, मरने की आवश्यकता भी नहीं, इसको जाने की आवश्यकता नहीं। इसलिए हमारी लोक प्रतिष्ठा होनी चाहिए, जानकर बूझकर समझकर। हम आप इस बात को समझें बूझें रहें। सुग्रीव जी कितनी सुंदर बात कहते, प्रभु नारी नयन सर जाहि न लागा, तय कर लो मित्रों क्या बोलना है। महामोह रूपी निद्रा में वह जागृत रहता है जो स्त्री के नेत्रों, स्त्री मने माया शक्ति, इसमें नहीं उलझता है। मेरी आपसे प्रार्थना है, अपनी अर्धांगिनी के अलावा, अपनी बिटिया मां के अलावा पर स्त्री का मुख देखना भी पाप है। मुख नहीं अवलोकन करना चाहिए। मुख क्यों देखना, बेटी का देखना, बुआ जी का देखना, निज मां का देखना, अर्धांगिनी का देखना, किसी का मुख नहीं देखना। क्यों, देखने से ही दृष्टि में दोष उत्पन्न होता है, देखना ही नहीं है। ये सुग्रीव जी कह रहे, अज्ञान बस मोह निद्रा में जो फंसा है उलझा है उसको स्त्री, क्योंकि उसी में से आ रहे हैं ये, स्त्री के नेत्रों में वो उलझ के रह जाता है। प्रभु आप हैं, आप सबके स्वामी हैं, दातार हैं। अब भगवान तो नीतिवान है, भगवान को नीति रक्षा करना है, तो भगवान ने सुग्रीव से क्या कहा, तुम प्रियमो ही भरत जीमी, आप तो मुझे भरत भैया जैसे प्रिय हैं। मैं जितना उनको स्नेह करता हूं उतना आपको करता हूं। बाली को जब न मारने के लिए सुग्रीव ने कहा था तो मेरी माँ ने प्रश्न किया था कि जब सुग्रीव मना कर रहे हैं तब भगवान ये क्यों कह रहे हैं, तो बाबा ने कहा था देवी भगवान नीतिज्ञ हैं, नीति क्या कहती है उनको उसके अनुकूल रहना पड़ता है। चार नीति है, साम प्रेम से, दाम द्रव्य देकर, दंड अनुशासन बताकर, अथवा भेद युक्ति लगाकर। राजा को अपने कार्य को साधने में चारों में से जो उपयुक्त हो उसका प्रयोग करना चाहिए। जो चारों नीति को समझता है वो विजय को प्राप्त होता है। भगवान ने नीति प्रयोग किया,
कहा आप जैसे सियाजू का पता लगे रचना बनाइए। हनुमान जी जामुन जी के आदेश को पाकर सारे कपिलोक जहां तक थे सबको खबर दी गई और सब लोग तत्क्षण आ चुके थे। अरे करोड़ों की संख्या में कपिलोक आ गए। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।